आज का भागवत कथा संध्या सत्र में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का विषय है पोटेंसी ऑफ डिवोशनल सर्विस, यानी भक्ति की शक्ति। हम लोग सब जो है ना भक्ति की तरफ प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमको किसी तरह से अपनी भक्ति उन्नत करनी है, भक्ति में आगे बढ़ना है। तो हमको आगे बढ़ने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि भक्ति की शक्ति क्या कितनी है, कैसी शक्ति है भक्ति की क्या शक्ति है और भक्ति क्या क्या कर सकती है। थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के सत्र में और देखते हैं कि हम कितना कर पाते हैं, क्योंकि भक्ति की जो शक्ति है वो अनंत है और हमारे पास टाइम जो है वो बड़ा लिमिटेड है और मेरी क्षमता भी नहीं है कि मैं भक्ति की जितनी शक्ति है उसका बखान कर पाऊं। ऐसी मेरी क्षमता नहीं है, पर जो भी कुछ क्षमता है महाराज की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की दया से और वैष्णवों की कृपा से मैं कुछ कहने का प्रयास करूंगा। तो कहने से पहले थोड़ा सा हम जो है हल्का सा 1 मिनट का कीर्तन कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी कथा का प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव, जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्त्री श्रीमद सोलिनस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्त्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्त्री श्री भक्ति वेदा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। All glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga. Mukam karoti vachalam pangu langayati green yat kripatam aham bande Sri Gurun Dina Tarn Nama Vishnu Padai Krishna Prishthai Bhutale Sri Mati Bhakti Vedanta Swami Neti Namne Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Paschati Deshu Tari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Vasadi Gaur Bhaktavrinda Ki Jai। हरे कृष्णा। तो जैसा कि मैंने बताया आज का विषय हमारा रहेगा भक्ति की शक्ति। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूं कि भगवान जो है कितने हमारे ऊपर दयालु हैं। हम कितनी भी गलती करें, हम कितना भी गलत कार्य करें,
लेकिन भगवान उसको नजरअंदाज कर देते हैं और हमें अपने धाम ले जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमने अपने पूर्व जन्म में पता नहीं कितने पाप किए हैं, उनके कारण हमको भौतिक जगत में जन्म मिला, और अतीत में जो हमने अच्छी या बुरी बुरे काम किए हैं उनके अनुसार वर्तमान जीवन में हमको उनका आनंद या दुख मिल रहा है। एक्चुअली आनंद तो इस संसार में है नहीं, जिसको हम सो कॉल्ड आनंद कहते हैं वो थोड़ी देर के लिए परेशानियों का परेशानी हमें महसूस नहीं होती, बाकी परेशानी तो हमेशा हमेशा रहती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है और उसको पेन है बॉडी में, शरीर में कहीं पेन है, दर्द है, तो डॉक्टर उसको जो है ना कोई पेन किलर दे देता है। पेन किलर लेने का मतलब ये नहीं है कि उसका पेन खत्म हो गया, लेकिन उसको पेन का एहसास होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो उसको लगता है कि मेरा दर्द अब खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में पेन खत्म नहीं होता। इसी तरह संसार में जो है ना दुख, वो कभी खत्म नहीं होते। हमको लगता है कि हमको दुख नहीं है, पर दुख है। दुख से छुटकारा पर दुख और संसार दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर जो है ना कभी दुख खत्म हो नहीं सकता। भगवान ने खुद जिसने संसार बनाया, जिसने सृष्टि बनाई, वो इस सृष्टि को सर्टिफाई कर रहे हैं कि दुखालयम है और आशाश्वतम है। वो ये कहे कि मैं जो है ना दुखों के इस संसार में हमेशा रहना चाहता हूँ, मेरे को बहुत आनंद है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, तो भी नहीं रह सकता क्योंकि ये अशाश्वतम है, कभी ना कभी खत्म होने वाला है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ टाइम, मे बी 1000 ईयर्स, 5000 ईयर्स, और 1 लाख ईयर, और 5 लाख ईयर, वॉट एवर, तो ये खत्म होने वाला है। तो संसार जो है ना वो दुखों का घर है, तो यहाँ पर सुख ढूंढना जो है वो ऐसा है जैसे भूस के ढेर में से सुई ढूंढने के बाद, तो जहां पर सुख कभी नहीं मिलने वाला। लेकिन इसके साथ हमारे पास एक जो है ना बड़ा सबल है, हमारा आशा का एक दीपक है, जिसको हम भक्ति कहते हैं। इस भक्ति के द्वारा हम जो है ये संसार छोड़कर भगवान के धाम जा सकते हैं, जहां पर दुखों का कोई नाम नहीं है, वहां पर दुख है नहीं। और भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि मुझे जानने के लिए सिर्फ भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। भगवान जो है भगवद गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक के अभिप्राय में जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम पाप कैसे करते हैं और हमको पाप की प्रतिक्रियाओं का सामना कैसे करना पड़ता है, और उसके लिए करने के लिए हम बाध्य होते हैं। उससे जब हमने पाप किया तो उससे हमारा कोई छुटकारा नहीं, लेकिन इस पाप की तुलना जो है ना बीज के रूप से करते हैं प्रभुपाद जी, जिसे फलने फूलने में समय लगता है, और ऐसे पाप हैं जो अभी बीज रूप में हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पहले से फलित हैं और हमें फल दे रहे हैं। ऐसे पाप जो अभी बीज रूप में हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हमें संकट और दर्द के रूप में आनंद दे रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि वी आर एंजॉइंग इन दिस वर्ल्ड। इन दिस वर्ल्ड एंजॉइंग मतलब हम जो है ना उस संकट और दर्द के रूप में उसको उसको महसूस कर रहे हैं, और ये कहते हैं संकट और दर्द है, लेकिन साथ में हम ये कहते हैं वी आर एंजॉइंग दिस, वी आर एंजॉइंग लाइफ। इसलिए हालांकि हमने बहुत से लोगों ने अपनी पापी क्रियाओं को रोक दिया है, लेकिन कभी कभी हमें थोड़े समय बाद या अगले जीवन में या इस जीवन में वो जो हमने पाप किए हैं उनकी प्रतिक्रियाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर हम सोचें कि हम पापी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और बावजूद इसके कि हम भी उन पापियों में से एक है, लेकिन जब हम व्यवहार करते हैं उनको एक हे दृष्टि से देखते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम भी पापी हैं, हमने भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ पाप तो किए हैं। अगर हमने पाप किए हैं तो हमको दूसरों को हे दृष्टि से या गिरी हुई दृष्टि से देखने का क्या अधिकार है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि इतना सब करने के बाद भी हमको अपने धाम वापस ले जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। कभी कभी वह स्वयं और कभी कभी अपने प्रतिनिधियों को इस संसार में भेजते हैं, ताकि वो हमको रास्ता दिखाकर हमको वापस भगवत धाम ले जाने का शिक्षा दें, और ताकि हम उनके धाम में जल्दी से जल्दी लौट सकें।
और इसी तरह भक्ति है। भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता में कई स्थानों पर भक्ति की महिमा का बहुत अच्छे से बताई गई है। भगवद गीता के इसी श्लोक में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें भगवान कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। क्या ये ज्ञान जो है सब विद्याओं का राजा है और समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, और ये कैसा है, परम शुद्ध है, और चूंकि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, और ये कैसा है, अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। इस श्लोक में भगवान बताते हैं दो शब्द का इस्तेमाल विशेष रूप से जो भगवान ने किया, पवित्रम और उत्तमम। तो पवित्रम का अर्थ है शुद्ध और उत्तमम का अर्थ है दिव्य। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा कि भक्ति की शक्ति इतनी शुद्धिकारिणी है और इतनी प्रबल है, और वह इसे पवित्रम उत्तमम और शुद्धतम कहा जाता है। पद्म पुराण में जो श्लोक है जिसका हवाला देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणेव प्रलियेत विष्णुर भक्ति रतात्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म, कितने सारे सारे पाप कर्म, चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। क्रमशः भी स्लोली स्लोली धीरे धीरे, जैसे जैसे भक्ति आगे बढ़ती है, उनके पाप, चाहे वो पाप कर्म किसी भी रूप में हो, वह धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो भक्ति की प्रक्रिया उत्कृष्ट रूप से इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है, इसलिए ये हमारे पापी प्रकृति को पूर्णतया शुद्ध करने में सक्षम है। हमारी प्रकृति कभी चेंज नहीं होती, लेकिन भक्ति इतनी स्ट्रांग है, इतनी प्रबल है कि ये हमको शुद्ध करती है और हमको पाप के फलों से मुक्त भी करती है। जैसे कहते हैं ना, गंदे सरफेस को, गंदे सतह को गंदे पानी से साफ नहीं किया जा सकता, इसलिए हम समझ सकते हैं कि भक्ति की प्रक्रिया कितनी शक्तिशाली और शुद्ध होनी चाहिए कि वह हमारे दूषित हृदयों को साफ करने में सक्षम हो। तो भक्ति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमारे दूषित हृदय भी स्वच्छ हो जाए। इसके इसके बारे में एक छोटी सी कथा है, वो कथा का हम श्रवण करेंगे, वो भागवतम से ही है। भागवतम में कश्यप मुनि का जिक्र आया है। कश्यप मुनि के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया कि विष्णु पुराण में बताया ऐसा कि कश्यप मुनि की 13 पत्नियां थी। उनमें से सबसे मुख्य थी अदिति और दीति, और उसके बाद कद्रु, दानु, अरिष्ठा, सुरासा, सुरभि, विनाता, तम्रा, क्रोधवशा, ईरा और विशा और मुनि। ये उनकी 13 पत्नियां थी, लेकिन जो पत्नी जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वो अदिति और दीति। अदिति के पुत्र जो है वो देव हुए, यानी देवता हुए, और दीति के पुत्र दैत्य हुए। तो आप सबको पता होगा, एक बार दीति ने अपने पति की बहुत सेवा की, वैसे वो अक्सर करती रहती हैं। तो कश्यप मुनि ने उनसे उनकी इच्छा पूछी, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका सहवास करना है, इस वक्त जो है ना आपका संग करना है। वो समय था संध्या का। तो कश्यप मुनि ने बहुत मना किया कि ये समय, इस समय इसका नहीं है, आप इस समय जिद ना करें। लेकिन वो स्त्री हट उसके आगे मजबूर हुए और उनको अपनी स्त्री का संग करना पड़ा। उसके उपरांत उनको दो पुत्र हुए जिनका नाम हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष था। बाद में चल के ये दोनों पुत्र असुर बने और पूरे संसार को परेशान किया, और अंत में इनको भगवान विष्णु की सहायता से इंद्र ने इन दोनों को मरवा दिया, यानी दोनों मारे गए। तो इस बात को लेकर दीति बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, और वो ये चाहती थी कि किसी तरह से, क्योंकि इसने मेरे दोनों पुत्रों को मरवाया है इंद्र ने, तो मुझे इसका बदला लेना है।
उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मुझे किस प्रकार इससे बदला लिया जाए। तो इसलिए वो इंद्र से बहुत नाराज थी और उसके हृदय में इंद्र के प्रति बहुत नफरत और बहुत क्रोध भरा हुआ था। तो किस प्रकार ये बदला लिया जाए, अंत में उसने सोचा कि अपने पति को मैं प्रसन्न करूं और उनसे ऐसी पुत्र की कामना करूं जिससे इंद्र की हत्या हो सके, मेरा बदला पूरा हो सके। कश्यप मुनि बेचारे एक बार पहले अपनी पत्नी की जिद के आगे समर्पित हो गए और उससे जनना हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष पैदा हुए। आज वही स्थिति फिर दोबारा से, क्योंकि दिति ने बहुत सेवा की अपने पति की, बहुत ध्यान किया, बहुत उनका ध्यान रखा, उनको जो सामान की आवश्यकता पड़ती थी पूजा पाठ में, यज्ञ में, हवन में, उसे बराबर जुटाती रही, सेवा करती रही। तो अंत में जो है ना, उन्होंने पूछा कि बताओ तुमने मेरी इतनी सेवा की है, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें वर देता हूं, जो तुम मांगोगी वो मैं आपकी इच्छा पूरी करूं। तब दिति ने अपनी इच्छा बताई और कहा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारने में सक्षम। अब बेचारे कश्यप मुनि, एक तरफ इंद्र उनका पुत्र है और दूसरी तरफ उनकी दूसरी पत्नी, एक पत्नी से अदिति से इंद्र है और दिति ऐसा पुत्र चाह रही है जो इंद्र को मार दे। अभी धर्म संकट में है कश्यप मुनि, मैं क्या करूं? क्योंकि कश्यप मुनि अच्छे से जानते थे कि दिति का इंद्र के प्रति बदले की भावना का व्यवहार रखना अच्छा नहीं है, और उन्हें यह भी पता था क्योंकि वो वर देने का वायदा किया है और वर दे चुके हैं तो इसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो इसलिए जो है ना, उन्होंने कोई ऐसी तरकीब खोजने का प्रयास किया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सांप मर जाए, लाठी ना टूटे, अर्थात जिसमें दोनों तरह से जीत ही जीत हो, यानी इसके हृदय से बदले की भावना निकल जाए और इंद्र की हत्या भी ना हो, इंद्र भी ना मरे। तो श्रीमद् भागवत के श्लोक नंबर, श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में रूपा जी ने कश्यप मुनि की मनोदिशा का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, कश्यप मुनि ने निष्कर्ष निकाला, दिति एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करने के लिए उत्सुक है जो इंद्र को मार सके, क्योंकि आखिरकार वह एक स्त्री है और बहुत बुद्धिमान नहीं है। मैं उसे इस तरह प्रशिक्षित करूंगा कि वह हमेशा यह सोचने की बजाय कि इंद्र को कैसे मारना है, वह वैष्णवी बन जाए, यानी इंद्र भी ना मरे और उनकी पत्नी वैष्णवी बन जाए और कृष्ण की भक्त बन जाए। यदि वह वैष्णव सिद्धांतों के नियमों और विनियमों का, नियम और विनियम का मतलब होता है कि डू एंड डोंट डू, करो और ये करो और ये ना करो, यानी ये नियम है और ये नियम के अगेंस्ट है, तो उनके नियमों का पालन करने के लिए सहमत हो जाए तो उसका कलुषित हृदय जो अब बदले की भावना से भरा हुआ है वो निश्चित रूप से शुद्ध हो जाए। चैतन्य महाप्रभु जो है ना, अंत लीला के 20वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनम पनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। तो भक्ति की प्रक्रिया है, कृष्ण भावनामृत में भक्ति के सिद्धांतों का पालन करके किसी को भी शुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत इतनी शक्तिशाली है कि वह पुरुषों के सबसे गंदे वर्ग को भी शुद्ध कर सकती है और उन्हें सर्वोच्च वैष्णव में बदल सकती है, और श्रील प्रभुपाद ने ये करके दिखाया। श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका में जो स्ट्रगल किया, एक बार एक महाराज एक कथा में आए थे, हम लोग उस वक्त कुवैत में रहते थे, और महाराज थे हिज होलीनेस गोविंद स्वामी महाराज।
शायद उनका यही नाम था, वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, अमेरिकन बॉडी में है। तो उन्होंने मुझको ये हमको ये बताया कि प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत की है कि हम लोग पशु समान जीवन जीते थे। और प्रभुपाद जी ने कहाँ से शुरू किया उनको इंसानों की आदत सिखाने के लिए, कि शौच जो है ना उसको धोने के लिए कौन सा हाथ इस्तेमाल करना चाहिए। पहले तो उनको यही नहीं पता था कि शौच धोना भी नहीं चाहिए, वो टिश्यू पेपर का यूज करते, और ये नहीं पता कि कौन से हाथ से खाना खाना है, कौन से हाथ से प्रसाद लेना है और कौन से हाथ से शौच करना है। तो यहाँ तक जो है ना महाराज ने कहा कि हमारी स्थिति ऐसी थी, उन्होंने हमसे हमको क्या से क्या बना दिया। तो रूपा जी ने अपनी मेहनत के द्वारा और अपनी शिक्षाओं के द्वारा जो ऐसे लोग जो बिल्कुल पशु समान जीवन जीते थे उनको सर्वोच्च वैष्णव बना दिया। और वो कैसे हुआ, वो भक्ति के द्वारा, और भक्ति ने सबको शुद्ध कर दिया। आज वे लोग परम वैष्णव हैं, और कितनी उच्च उच्चतर भक्ति वो अभ्यास करते हैं वो उनसे हमको सीखने की आवश्यकता है। सो जो श्लोक जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, छठे अध्याय के छठे स्कंध के 18वें अध्याय 45वें में कश्यप मुनि दिति को सलाह देते हैं, पुत्रस्ते भविते भद्रे इंद्रहा देव बंधवा सवत्सरम व्रतम इदम यदज्जो धारियस्ते। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसमें इंद्रहा देव बंधवा, इंद्रहा देव बंधवा का मतलब है, इंद्रहा का मतलब होता है किलर ऑफ इंद्र, यानी इंद्र की हत्या करने वाला, या फॉलोवर ऑफ इंद्र, यानी एक शब्द में ही दो अर्थ छिपे हुए हैं। इंद्रहा, इंद्रहा का मतलब इंद्र को मारने वाला, और दूसरा शब्द उसका अर्थ भी लिखा हुआ है कि फॉलोवर ऑफ इंद्र, इंद्र को फॉलो करने वाला। और अदेव बंधवा, अदेव बंधवा फ्रेंड ऑफ द डेमन्स, राक्षसों का मित्र, और देव बंधवा और फ्रेंड ऑफ द डेमीगॉड्स, वो डेमीगॉड का, डेमीगॉड्स यानी देवताओं का मित्र भी है और राक्षसों का भी मित्र है। और इंद्रहा वो इंद्र का मारने वाला भी है और फॉलोअर ऑफ इंद्र भी है। ये प्रभुपाद जी ने आश्चर्यजनक जो है ना एक शब्द के दो अर्थ लिखे हैं, और उससे आगे वो किस तरह से सिद्ध हुए हैं वो आगे बताते हैं। तो कश्यप मुनि ने कहा, हे कल्याणी, हे प्रिया, यदि तुम इस व्रत के संबंध में मेरे उपदेशों का 1 वर्ष तक पालन करो तो निश्चित रूप से तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र को मारने में सक्षम होगा। लेकिन यदि आप वैष्णव नियमों का पालन करने में इस व्रत में तनिक भी विचलित होगी तो आपको जो पुत्र प्राप्त होगा वो इंद्र का अनुयायी होगा। पुत्र जो प्राप्त होगा इंद्र का अनुयायी होगा। अगर आपने गलती कर दी तो इंद्र का अनुयायी हो जाएगा, और अगर आपने ठीक से पालन किया तो वो आपका जो पुत्र है इंद्र को मारने में सक्षम। अभी एक चीज और समझने वाली है यहाँ पर, कि वैष्णव का एक गुण जो है ना दक्ष होना होता भी है, कि वैष्णव जो है ना बहुत दक्ष होते हैं, या यूं कहें कि वैष्णव बहुत चतुर होते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे कश्यप मुनि ने भगवान के भक्त, महान भक्त होने के नाते इस कठिन परिस्थिति में, इस धर्म संकट में अपनी पत्नी को भक्त बनाने का रास्ता, कृष्ण भक्त बनाने का रास्ता, और अपने बड़े पुत्र यानी इंद्र को बचाने का रास्ता, और अपनी पत्नी को खुश करने का रास्ता एक ही व्रत से तीनों का निकाल ली। बहुत कुशलता से उन्होंने इस धर्म संकट को निपटाया। यदि दिति पूरे वर्ष ईमानदारी से निर्देशों का पालन करती है तो उसे जो पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन जब तक वैष्णव सिद्धांतों का पालन करने के कारण दिति के गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों की चेतना बदल जाएगी। 1 साल तक अगर वो नियमों का पालन करती है तो अभी जो इसके हृदय में बदले की भावना है उसकी और उसके बच्चे होने वाले बच्चों की दोनों की चेतना बदल जाएगी। भक्त किस कारण, भक्ति के कारण, क्योंकि वह भगवान कृष्ण की भक्ति में अगर लगती है सीरियसली
बगैर गलती किए उनको करती है जो नियम बताए गए हैं, तो उसकी और बच्चे की दोनों की चेतना बदल जाएगी और इसलिए बच्चा इंद्र को नहीं मारेगा। और यदि किसी कारणवश यह व्रत तोड़ती है तो उसे इंद्र के अनुयायी के रूप में पुत्र प्राप्त होगा। पहली स्थिति में अगर वो पूरा करती है तो उसकी चेतना बदल जाएगी और बच्चों की चेतना बदल जाएगी, और दूसरी स्थिति में अगर व्रत के नियमों को तोड़ती है तो बच्चा वैसे ही इंद्र को नहीं मारेगा, क्योंकि ये उसकी कंडीशन थी। तो उपदेश देकर उन्होंने सुनिश्चित किया कि इंद्र किसी भी स्थिति में नहीं मारा जाएगा, दोनों स्थिति में इंद्र की रक्षा हो जाएगी। और इससे हमको एक और बात सीखने वाली है, अनेक बातें सीखने को मिलती हैं इस चैप्टर से। इसमें है कि हमको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कश्यप मुनि जानते थे कि यदि वे दिति से खुलकर यह कहते हैं कि इंद्र की हत्या का विचार छोड़ दो तो वह इसे पूरे मन से बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी, उसके दिल को तसल्ली नहीं होगी, सेटिस्फाइड नहीं होगी। और उससे क्या होगा, अगर सेटिस्फाइड सेटिस्फेक्शन नहीं है तो और अधिक उत्तेजित हो जाएगी और इंद्र को नुकसान पहुंचाने के लिए या उसकी हत्या करने के लिए कुछ और तरीके या साधन ढूंढने का प्रयास करेगी। तो जैसे एक जो डॉक्टर है शुगर कोटेड टैबलेट देता है, उसके अंदर कड़वी दवाई रहती है और उसके ऊपर शुगर कोटिंग रहे तो वह गोली आसानी से खाई जा सकती है, तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर के तरह से कश्यप मुनि ने उनको ये फॉर्मूला बताया। तो पहली शिक्षा देते हैं, पहली शिक्षा में क्या कहते हैं कि आपको क्या करना है कि हे मेरी प्रिया, हे मेरी पत्नी, इस व्रत का पालन करते समय न तो कभी उग्र बनो, न ही किसी को कष्ट पहुंचाओ और किसी को श्राप न दो, झूठ न बोलो, अपने नाखूनों और बालों को न काटो और खोपड़ी और हड्डियों जैसी अशुद्ध चीजों को ना छुए। ऐसा श्रीमद् भागवत के वर्ष नंबर 47 में यानी 47 में कश्यप मुनि अपनी पत्नी को बताया। ये जो पहला शब्द है कि हिंसा मत करो, उग्र मत बनो, उसका अर्थार्थ है हिंसा यानी किसी की हत्या, और शपेत का अर्थ है श्राप देना, किसी को श्राप न दो। हम हिंसक व्यवहार करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या उन्हें तभी श्राप देते हैं जब हम उनसे द्वेष करते हैं। तो द्वेष जो है ना दूसरे को श्राप देने का या हिंसा करने का एक मुख्य कारण होता है। तो ये जो श्लोक है उसमें कहा कि आपने अद्भुत तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कश्यप मुनि को अपनी पत्नी को जो पहला उपदेश दिया था वह किसी से द्वेष नहीं करना। इस संसार में सबों से द्वेष करने की सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है, अतः कृष्ण भक्त भक्त बनने के लिए इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया गया है कि शत प्रतिशत शुद्ध हृदय वाले भक्तों के कृष्ण भक्त व्यक्ति हमेशा दयावान होता है जबकि अन्य लोग द्वेषमय होते हैं। तो एक कृष्ण भक्त की एक विशेषता है कि वह दयावान होता है और अन्य लोग जो कृष्ण भक्त नहीं है उनके अंदर द्वेष हो सकता है। इस प्रकार कश्यप मुनि का यह उपदेश देना कि वह द्वेष रहित हो यह बताता है कि कृष्ण भक्ति बढ़ाने के लिए ये इस दिशा में ये पहली अवस्था है। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को कृष्ण भक्त व्यक्ति बनने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया और उन्होंने उन्होंने सोचा कि अगर ये इस प्रकार भक्त बन जाती है तो इंद्र और उसकी और उनकी अपनी पत्नी और इंद्र की दोनों की रक्षा होने के लिए पर्याप्त होगा। और वह आगे भी उसको जो है ना क्रोध ना करने की सलाह देते हैं और साथ में कहते हैं दुष्ट लोगों के साथ बात करने या संग करने के लिए भी मना करते हैं और साथ में व्यक्तिगत स्वच्छता और विग्रह की पूजा करने के लिए उपदेश देते हैं। द्वेष रहित होने, क्रोध से मुक्त होने, सच्चा होने, दुष्ट लोगों के संग से बचने से हमें अपने मन को कृष्ण पर केंद्रित करने में सहायता मिलती है। दूसरी ओर जब हमारा मन इन अनर्थों से भर जाता है
तो फिर कृष्ण के लिए कोई जगह नहीं, पूरे हृदय में अनर्थ ही अनर्थ भरे रहते हैं। इसलिए कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी दिति को ये शुभ उपदेश दिए और उनसे कहा कि विश्वास के साथ, लगन के साथ, श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करें और जो वह चाहती है वह निश्चित रूप से होगा। तो इस प्रकार जो है उसने व्रत शुरू किया और समय पाकर दिति गर्भवती हो गई और ईमानदारी से अपने पति कश्यप मुनि के उपदेश अनुसार, निर्देश अनुसार व्रत का पालन करने लगी। अब इंद्र को इस बात का पता चला कि उसकी मौसी दिति एक ऐसा विशेष व्रत कर रही है जो उसको परेशान करने के लिए किया जा रहा है, जिससे उसको परेशानी उत्पन्न हो सकती है, उसकी योजना वह बना रही। इसलिए खुद को बचाने के लिए वह सुनिश्चित करना चाहता था कि दिति किसी तरह से अपना वचन तोड़े। जो वचन उसने कहा है, जो वचन दिया है कश्यप मुनि को, और कश्यप मुनि के उपदेश जो थे उनमें जो है ना किसी प्रकार का अगर उल्लंघन हो तो जो है ना उसका काम बन जाए, उसको मौका मिल जाएगा। तो यह सोचकर वह उसकी सेवा में लग गया, उसको यज्ञ करने में सहायता करने लगा, उसके यज्ञ के लिए जो साज सामान की आवश्यकता होती थी उसका इंतजाम करने लगा और साथ में ही जो है ना वह दिल में जो है ना ये ढूंढता रहा कि इसके व्रत में कहाँ गलती हो रही है, ये कहाँ गलती करेगी। तो बाहरी रूप से तो वो लगता था कि वो उसके साथ बहुत फ्रेंडली है, बहुत मित्रवत है, लेकिन अंदर से वह भी उससे ईर्ष्या कर रहा था और ये ढूंढने का प्रयास कर रहा था कि पता चले कि वो क्षण कब आएगा जब ये गलती करेगी। तो देखिए दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति द्वेष है, बदले की भावना है, नफरत है, लेकिन फिर भी अपने अपने उद्देश्य के लिए दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त किए हुए। और इस तरह से व्रत के सिद्धांतों का जो पालन करने के लिए बनाया बताया था कश्यप मुनि ने, उसके कारण वह बहुत दुर्बल हो गई, पतली हो गई और दुर्बल होने के कारण एक बार जैसे नियम था कि शाम को, रात को सोने से पहले मुंह साफ करेगी, कुल्ला करेगी और पैर धोएगी, एक तो गर्भवती थी और ऊपर से कमजोर भी हो गई, शारीरिक रूप से दुर्बल हो गई, तो उठने में उसने आलस किया और शाम को गोधूलि के समय ही सो गई। तो ये देखकर इंद्र को पता चल गया अपनी रहस्यमयी शक्तियों के द्वारा कि आज जो है इसने व्रत का पालन नहीं किया और उन्हीं शक्तियों के द्वारा उसके गर्भ में प्रवेश कर गया। जो रहस्यमयी उसकी शक्तियां थी उनके द्वारा वह उसके गर्भ में चला गया और वहां उसने देखा कि उसके उसका जो भ्रूण है वो सोने की तरह से चमक रहा है और तुरंत उसने जो है उस भ्रूण के 7 टुकड़े कर दिए, भ्रूण को काट डाला और काट के 7 टुकड़े कर दिए। और जब उसके 7 टुकड़े हो गए तो वो बालक मरा नहीं, वो रोने लगे, सातों के साथ रोने, सातों के साथ तो रोने लगे और इंद्र ने उनसे कहा कि रो मत, रो मत, लेकिन ये कहते कहते फिर से जो है ना उनके 7-7 टुकड़े फिर कर दिए। तो इस तरह से जो है ना 49 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो बालक फिर भी मरे नहीं और हाथ जोड़कर इंद्र से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रिय इंद्र, हम मारुत हैं, आपके भाई हैं, आप हमें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जब उसने ये सुना तो इंद्र प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि अब उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। परीक्षित महाराज को ये व्याख्यान सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंध के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में बताते हैं कि हे राजा परीक्षित, आप तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जला दिए गए थे, किंतु श्री कृष्ण अपनी माता के गर्भ में, आपकी माता के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और आप बच पाए। इसी प्रकार यद्यपि इंद्र ने एक गर्भ को वज्र के द्वारा 49 टुकड़ों में काट डाला,
किंतु वे सभी श्री भगवान के अनुग्रह से बच गए। इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया है जिसका मतलब, जिसका जो शब्द है श्रीनिवास अनुकंपाय। श्रीनिवास अनुकंपाय का अर्थ है कि भगवान विष्णु की दया से, जो कि लक्ष्मी देवी का विश्राम स्थल है। श्री मीन्स लक्ष्मी, निवास मीन्स जहाँ लक्ष्मी जी रहती हैं, और अनुकंपाय मीन्स भगवान विष्णु की दया से। प्रभु भगवान कृष्ण अचिंत्य हैं, विष्णु अचिंत्य हैं, इसलिए उनकी दया भी अचिंत्य है। यद्यपि हमारी कई कमियां हैं, हमारे भौतिक मन से हम ये सोचेंगे कि दिति और इंद्र दोनों बुरे व्यक्ति हैं और किसी सौभाग्य के हकदार नहीं हैं, बल्कि वे केवल दंड और दुर्भाग्य के हकदार हैं। लेकिन अमोघ भगवान कृष्ण ने, जो दूसरों के लिए दुर्भाग्य की इच्छा कभी नहीं रखते, दिति और इंद्र के साथ ही दिति के गर्भ में 49 बच्चों को अपनी अहेतु की अचिंत्य दया से बचा लिया। इंद्र को भी बचा लिया, दिति को भी बचा लिया और उसके 49 बच्चों को भी बचा लिया। यहां पर यह देखने की चीज है कि कैसे सुखदेव गोस्वामी ने इस घटना को परीक्षित महाराज से बहुत शानदार तरीके से वर्णन किया, जो स्वयं पर भगवान की दया से ब्रह्मास्त्र से अपनी मां के गर्भ से बच गए थे। हमारे गुरु महाराज, हमारे आध्यात्मिक गुरु महाराज हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज कहते हैं कि परीक्षित महाराज ही नहीं, हम में से हर एक को कृष्ण की दया से मां के गर्भ में सुरक्षित रखा गया। खाली परीक्षित महाराज या 49 मरुत थे वो ही नहीं, हम में से जितने भी हैं, हम सारे जीव जितने भी जन्म लेते हैं, वो भगवान कृष्ण की कृपा से ही गर्भ में सुरक्षित रह पाते हैं। महाराज कहते हैं कि गर्भ में हालत इतनी खराब है, इतनी भयानक है, या तो बच्चे की मौत हो सकती है, या माँ मर सकती है, या फिर दोनों की मौत हो सकती है, लेकिन किसी तरह हम फिर भी पैदा होते हैं। यह केवल कृष्ण की दया के कारण है। ये सब अगर कृष्ण की दया ना हो तो ना तो मां बच सकती है, ये ना बच्चा बच सकता है, और हो सकता है दोनों ही मर जाए। अब आगे आगे इसमें एक ट्विस्ट आता है स्टोरी में, जो आज हम स्टोरी जिक्र कर रहे हैं, कहानी का जिक्र कर रहे हैं। तो जब दिति उठी सोकर, तो उसने जो है ना देखा कि उसके 49 बच्चे हैं, एक साथ 49 बच्चे हो गए, उसको पैदा हो गए। और भक्ति के द्वारा जो उसने लगभग एक साल तक की थी, उसके द्वारा उसका हृदय पूर्णतया शुद्ध हो गया। और उसने प्यार से, बड़े इत्मीनान से पूछा, इंद्र से पूछा कि उसे कैसे 49 बच्चे पैदा हो गए, 49 कैसे मिल गए, उसने तो एक की कामना की थी। इंद्र ने ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से ये कबूल किया, ये मान लिया कि उसे उसकी भक्ति के ऊपर शक हो गया और वह उसकी भक्ति जो क्यों कर रही है, उसे थोड़ा सा एहसास हो गया था कि भक्ति जो है इसलिए की जा रही है ताकि इंद्र की हत्या की जा सके, एक ऐसा पुत्र हो जो इंद्र का वध कर सके। यह उद्देश्य लेकर आप भक्ति शुरू कर रही थी, यह मुझे शक हो गया था, मुझे पता चल गया था। तो मैंने यह सुनिश्चित किया कि कभी जब आप व्रत तोड़ें तो उस वक्त जो है ना मैं भ्रूण को काट दूं, भ्रूण को मार दूं, लेकिन भगवान की दया से आपके सारे के सारे बच्चे सही सलामत पैदा हो गए। तो अगले वाले श्लोक में, यानी 73 में जो है ना, इंद्र कहते हैं, हे माता, जब मैंने देखा कि आपके पूरे 49 पुत्र जीवित हैं तो मुझे परम आश्चर्य हुआ, मुझे विश्वास हो गया कि ये आपके द्वारा भगवान विष्णु की उपासना के लिए की गई नियमित रूप से भक्तिपूर्ण सेवा का ही अनुषांगिक फल है। यानी भक्ति अगर कोई करता है तो उसे किसी प्रकार की हानि होने की संभावना नहीं। और अब हम आगे देखते हैं कि इंद्र में और दिति में जो दो गुण जो दिखाई दे रहे हैं, जो पता चल रहा है, वो बहुत अच्छे गुण हैं। सबसे पहले तो
उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी गलतियां स्वीकार कर ली। दीति ने कहा कि हाँ, मैंने एक ऐसे पुत्र की कामना की थी जो इंद्र का वध कर सके, और इंद्र ने स्वीकार किया कि मैंने ये, जब मुझे पता चला, मुझे शक हुआ कि आप भक्ति जो कर रही हैं वो इस उद्देश्य से की कर रही हैं कि आपको एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो मेरी यानी इंद्र की हत्या कर सके, तो मैं उस मौके की तलाश कर रहा था। आया तो मैं इस बहाने से था कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य डिफरेंट था। उसने स्वीकार कर लिया जो उसका उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य के अंतर्गत उसने उसके भ्रूण को काट डाला और उसके 49 टुकड़े हो गए और उनके 49 पुत्र पैदा हो गए। तो उनके दिल में, दोनों के दिल में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं था, और इसी प्रकार का कपटपूर्ण व्यवहार उन्होंने नहीं किया। और दूसरा, उन्होंने बिना किसी विरोधी भावना से प्रेम से आपस में बात की और एक दूसरे की सराहना की। जब हम किसी को पसंद नहीं करते तब हम उनसे द्वेष करते हैं और अपनी भावनाओं को ईमानदारी से साझा नहीं करते। जो हमारे हृदय में होता है उसको हम उस व्यक्ति से साझा नहीं करते जिससे हम द्वेष करते हैं। हम दूसरे बदतमीजी से बोल सकते हैं, उनसे खसिस तरीके से बात करेंगे, और उनके यहाँ तक कि कुछ अच्छे गुण भी हमको उनके नहीं दिखाई देंगे, उनमें सारी कमियां ही कमियां दिखाई देती हैं। तो इसके अलावा हम कभी भी जो है ना उस व्यक्ति की भक्ति की सराहना नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना उसके विपरीत हुआ। इंद्र ने दीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसकी सच्ची भक्ति के कारण वह 49 बच्चों को जन्म देने में सफल रही और वे सारे के सारे जिंदा हैं, सारे के सारे जीवित। हालांकि इंद्र ने उन बच्चों को मारने की कोशिश की थी। श्रीमद् भागवत के श्लोक नंबर 71 में, इसी स्कंद के 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में रूपपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताते हैं कि उनके व्यवहार में परिवर्तन क्या आया, क्यों आया। तो कहते हैं कि दोनों ने दुश्मन बनने की बजाय खुलकर सच बोला। दोनों वास्तव में तो एक दूसरे के दुश्मन ही थे ना, एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव था, ईर्ष्या थी। लेकिन यहाँ क्या किया उन्होंने, ये जो परिवर्तन आया, इस परिवर्तन में दुश्मन बनने की बजाय और आगे दुश्मनी करने की बजाय दोनों ने एक दूसरे से सच बोला, और यही वह योग्यता है जो विष्णु के संपर्क से प्राप्त होती है, विष्णु के संपर्क से प्राप्त होती है। अब ये कहा जा सकता है कि दीति ने तो विष्णु की पूजा की थी, उसको तो ठीक है हृदय चेंज हो गया, लेकिन उसकी उसने इंद्र का इंद्र ने ऐसा क्या किया जो उसका हृदय चेंज हो। रूपाद जी ने इसके बारे में एक जो है यहाँ पर श्लोक का वर्णन किया है। यदि कोई भक्ति भाव से विकसित करता है, भक्ति भाव विकसित करता है और परम प्रभु की पूजा करके शुद्ध हो जाता है, तो उसके शरीर में सभी अच्छे गुण निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। विष्णु की पूजा से संपर्क के कारण दीति और इंद्र दोनों ही शुद्ध हो गए। आगे इंद्र कहते हैं, हे माता, हे महियसी, मैं मूर्ख हूं, मैंने जो भी पाप किए उसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें। आपके 49 पुत्र बिना किसी क्षति के ही आपकी भक्ति के कारण उत्पन्न हुए। एक दुश्मन के रूप में मैं उन्हें टुकड़े करने के लिए काट दिया, लेकिन आपकी मान भक्ति की वजह से वे मरे नहीं। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि इंद्र अपने सभी अपराधों से दीति से क्षमा मांगते हैं, और वह व्रत जो उसने पूरे वर्ष के लिए किया था, उस अच्छी भक्ति के लिए दीति की सराहना करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। यह एक और अद्भुत परिवर्तन है जिसे हम इंद्र के व्यवहार में देख सकते हैं। आमतौर पर हम कभी दूसरे के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और ना करना चाहते, तो उनकी क्या बात करें जिनके बीच में हमारे मधुर संबंध है ही नहीं। जिनके साथ मधुर संबंध है उनके सामने भी हम अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करना चाहते, तो उनकी क्या बात, जिनके साथ मधुर संबंध है ही नहीं उनके सामने हम कैसे अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे। लेकिन यहाँ पर इंद्र ने अपनी गलती स्वीकार की। तो ऐसे जो व्यवहार होते हैं
जिसमें हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, वो हमारे अहंकार और गौरव यानी घमंड को बढ़ाता है, दर्शाता है। यहां हम देखते हैं कि इंद्र ने विनम्रता पूर्वक अपनी गलतियों को स्वीकार किया और दिति की अच्छी भक्ति के लिए दिति की महिमा की। हमें आश्चर्य हो सकता है कि इंद्र में यह परिवर्तन कैसे हुआ। जहां तक दिति का प्रश्न है, हालांकि शुरुआत में उसके इरादे अच्छे नहीं थे, लेकिन उसने ईमानदारी से अपने पति कश्यप मुनि के उपदेशों का पालन किया और भगवान विष्णु की भक्ति की इस तरह की कि वह धीरे धीरे शुद्ध हो गई। लेकिन जैसे मैंने अभी पीछे कहा था कि इंद्र का स्वभाव कैसे बदला, उसने तो भक्ति की, उसका स्वभाव बदल गया। तो दिति जब व्रत का पालन कर रही थी तो इंद्र उसकी सेवा कर रहे थे। हालांकि उसका उद्देश्य अच्छा नहीं था, फिर भी भगवान जो अत्यंत दयालु हैं, दिति की सेवा करने के उसके प्रयासों से खुश थे। और जब हम भक्तों की सेवा करते हैं या जब हम केवल वास्तव में दूसरों की भक्ति की सराहना करते हैं, तब भी भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं, ये मैं जना पार्था न मैं भक्ता चते जना मद भक्ता नाम चैते भक्तास ते में भक्ता तमामता। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 11वां अध्याय 28वां श्लोक। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं हैं, लेकिन जो मेरे भक्त के भक्त मेरे सेवक के भक्त हैं वे तथात्मक रूप से मेरे भक्त हैं। यानी भगवान उनको विशेष महत्व देते हैं जो उनके भक्त का सेवक होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं इस श्लोक के अनुसार कि इंद्र ने किसकी सेवा की, दिति की, और दिति किसकी भक्ति कर रही थी, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की। तो उसको मात्र एक भक्त की सेवा करने का ये फल मिल गया कि उसका हृदय शुद्ध हो गया, भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और उस पर कृपा की। तो भक्ति की एक झलक हम देखते हैं तब ये झलक जो है ना, ये स्पार्क जो है ना, हमारे अंदर पैदा तब होगी जब हम किसी की दूसरे की को भक्ति करते देखते हैं और उसकी सराहना करते हैं। कुंती महारानी कहती हैं कि हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वह निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मरण के प्रवाह को रोकने वाले हैं। श्रुणन्ति गायन्ति ग्रन्ति अभीक्षणः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हिता जनः तवे हितम जनः। तो नन्दन्ति का मतलब है कि जो दूसरे को ऐसा करते देखकर खुश होते हैं, दूसरों की भक्ति में आनंद लेते हैं। चूंकि इंद्र ने दीति की सेवा की और वास्तव में उसकी भक्ति की सराहना की, इसलिए वह भी भगवान की दया का पात्र बन गए और उसके व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन हुआ। तो अंत में हम इसका कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि जो हमने इसका शीर्षक था, भक्ति की शक्ति, इंद्र को मारने के लिए बच्चे को जन्म देने की इच्छा वाली दीति की लीला से जो पॉइंट्स हमको समझ आते हैं वो ये है। पहला पॉइंट ये है कि भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि यह भक्त को सभी पापों और उसकी प्रतिक्रियाओं से मुक्त करती है, पापों से और पाप कर्म के जो फल हैं उससे मुक्त करती है। दूसरा है, कश्यप मुनि कुशलता से दिति को एक व्रत पालन करने की सलाह देते हैं जिसके द्वारा वह उस बच्चे को प्राप्त कर सकती थी जिसकी वह इच्छा करती है। और तीसरा जो है, उत्तम भक्ति करने के लिए हमको ना कहना चाहिए, ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपनी भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं तो हमारे हृदय में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जिसके हृदय में ईर्ष्या का स्थान है उसके हृदय में कृष्ण नहीं रह सकते, उसकी भक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकती। और कृष्ण की दया अचिंत्य है,
वह भक्ति में लगे भक्त को शुद्ध करता है और भक्त की सेवा करने वाले व्यक्ति को भी, यानी भक्त को भी और भक्त की सेवा करने वाले को भी शुद्ध करता है। और इस प्रकार भक्ति करने वाले में सभी अच्छे गुण धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं। भक्ति करने वाले व्यक्ति को अपने अंदर किसी प्रकार के अच्छे गुण विकसित करने के लिए किसी अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार के सेपरेट एंडेवर करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार इंद्र ने एक विशेष उद्देश्य से लेकर दीपि की सेवा आरंभ की थी, लेकिन अंत में और किस उद्देश्य से लेकर दीति ने भक्ति आरंभ की थी, दोनों के उद्देश्य डिफरेंट हो गए। तो भक्ति इतनी प्रबल है कि आप किसी भी उद्देश्य से लेकर, गलत उद्देश्य से लेकर करते हैं तो अंत में भक्ति जो है उसको शुद्ध कर देते, क्योंकि जैसा शुरू में कहा गया कि भक्ति की जो शुद्धिकारिणी शक्ति है वो अति प्रबलशाली है, बहुत शक्तिशाली है, बियॉन्ड इमेजिनेशन, हमारी कल्पना से परे है। तो भक्ति जो है ना, हम लोग अक्सर भक्ति का जिक्र करते हैं, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग भक्ति की परिभाषा किस तरह से कर सकते हैं, भक्ति किसको कहते हैं। भक्ति को अगर एक लाइन में हम डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे। हमने पूरा जो है ना आज एक घंटे की क्लास जो है ना करीब करीब भक्ति के बारे में ली है, लेकिन भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं। तो भक्ति बोलते हैं अहेतु की अप्रतिहता, बगैर किसी कारण से, बगैर किसी मोटिव से की गई प्रेम रूप से, प्रेम के प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति, बगैर उद्देश्य से, बगैर हेतु के की गई सेवा, वो भक्ति कहलाती है। लेकिन अगर भक्ति में किसी प्रकार का उद्देश्य है, कोई हेतु है, तो वो भक्ति मिश्रित भक्ति हो सकती है, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो वो व्यापार हो सकता है। भक्ति में किसी प्रकार का हेतु नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का, सिर्फ हमारे हृदय में एक ही बात होनी चाहिए, हमको भगवान कृष्ण की भक्ति बगैर किसी हेतु के करनी है, अकारण करनी है, अहेतु की करनी है, अनमोटिवेटेड करनी है, कोई मोटिवेशन उसके पीछे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना, मैं अपनी इसको कथा को विराम देना चाहता हूँ। अगर किसी प्रभु जी या माता जी का कोई प्रश्न है तो मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने का। अब जो प्रश्न हो तो आप कह सकते हैं, अभी हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं, हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ प्रभु जी? आप एक नहीं, आप अनेक करें प्रभु जी। अच्छा, तो आपने कहा लास्ट में कि भक्ति है अहेतु की अप्रतिहता, तो जिसकी मतलब कोई मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, और इसमें देखें आपने जो बहुत अच्छा वर्णन किया है प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपका प्रवचन। तो आपने बताया कि इंद्र और दीति दोनों ही की हेतु की भक्ति थी, मतलब वो चाहते थे, उनका मोटिवेशन भगवान नहीं था, ना, ना। लेकिन फिर भी उन्होंने कश्यप मुनि की का मतलब उनकी भक्ति का पालन किया, मोटिवेशन सही नहीं था तो उनकी भक्ति तो नहीं थी, तो उन्हें बताएं हाँ। तो उनका परिणाम अच्छा कैसे हो गया, क्योंकि वो भक्ति जो है ना, भक्ति ठीक है, वो एक विशेष उद्देश्य को लेकर कर रहे थे, उसने पुत्र की प्राप्ति करना चाहा ताकि मैं जो है ना इससे इंद्र का वध करवा सकूं, और इंद्र ने जो है ना उसकी सेवा इसलिए की कि ताकि जो है ना इसका व्रत भंग हो तो मैं उसका फायदा उठा सकूं, ठीक है ना। दोनों का उद्देश्य अलग था, लेकिन थी तो भक्ति। तो जैसे शुरू में प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी ने जैसे हमने 9.2 का जो भगवद गीता का श्लोक है उसमें वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने, कि भक्ति की शक्ति जो है, भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल है, इतनी शुद्धिकारिणी है, इतनी उत्तम है कि उनका जो उद्देश्य था वो पीछे रह गया। भक्ति के आगे उसका जो है ना उद्देश्य या जो हेतु था वो जो है ना कोई मायने नहीं रखा, इतना इतना सूक्ष्म हो गया, इतना गौण हो गया वो। उन्होंने भक्ति की और जो है ना किसी वैष्णव के
निर्देशन में, यानी कश्यप मुनि के निर्देशन में दिति ने भक्ति की, लेकिन भक्ति ने उनका जो हृदय में उद्देश्य था, जो एक लेकर चले थे, वो उद्देश्य तो अच्छा तो था नहीं, लेकिन भक्ति ने उसको उद्देश्य से उससे शुरू कर दिया। अभी आप एक देखें, एक उदाहरण लेते हैं मृगारी का। मृगारी एक ऐसा व्यक्ति था, शिकारी था, जो पशुओं को आधा मारकर छोड़ देता था, आधा मारकर छोड़ देता था, और उसको पता नहीं था कि कितना पाप वो अर्जित कर रहा है। लेकिन जब नारद जी ने देखा कि तुम बहुत पाप अर्जित कर रहे हो, इस तरह से तुम पशुओं की हत्या करते हो और उनको पूरा मारते भी नहीं हो, उनको तड़पते हुए छोड़ते हो, तो तुम बहुत पाप के अधिकारी हो, तुम जो है ये बंद करो। तो कहते हैं अगर मैं बंद करूंगा तो खाऊंगा क्या। तो नारद जी ने उसको कहा कि तुम खाने की चिंता मत करो, तुम अपना जो धनुष बाण है ना ये तोड़ दो और खाने की चिंता मत करो, तुम खाली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवान का नाम का जप करो, वो अरेंज करेगा, भगवान अरेंज करेंगे। और कुछ समय बाद वास्तव में ऐसा हुआ, जब गांव वालों को पता चला कि उसने जो है अपना बाण और वो तोड़ दिया, बाण और धनुष तोड़ दिया और वो भगवान की भक्ति में लग गया। ये प्रभुपाद जी जो है ना, और एक बार देवकीनंद प्रभु जी ने भी एक पोस्ट लिखा था इसमें, जिसमें बताया गया था, प्रभुपाद जी ने भी कहा कि जो हमारा कार्य है वो हमारा सस्टेन, जिसके ऊपर हम जीवित रहते हैं, वह उसका कारण नहीं है। यानी हमारा जो पेशा है या जो हमारा धंधा है, जो हमारा बिजनेस है, वो हमारे सर्वाइवल का कारण नहीं है। हमारे सर्वाइवल का कारण भगवान कृष्ण है, हम उनकी कृपा से जीवित रहते हैं। हम जो है ना जो कार्य करते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा, जिसको हम सोचते हैं कि इसकी वजह से हम जिंदा हैं, जैसे मृगारी सोच रहा था कि जो है ना अगर मैं ये तीर और बाण को तोड़ दूंगा तो मैं किस प्रकार जिंदा रहूंगा, उसके दिमाग में ये बात अच्छे से थी। लेकिन जब उसने अपनी तीर को और कमान को, धनुष को तोड़ दिया और फेंक दिया, तो जिंदा फिर भी रहा। तो उसकी जो धारणा थी कि मैं किस प्रकार जिंदा रहूंगा, तो जिंदा रहने के लिए जो हमारा जो ये ड्यूटीज हैं जो हम करते हैं, अपने सांसारिक कर्तव्य करते हैं, वो आवश्यक नहीं है। हम जिंदा रहते हैं भगवान की कृपा से, हम उसके कृपा से सर्वाइव कर पाते हैं। एक हाथी जो है ना, जिनमें जो 100 किलो खाता है, वो कहाँ ये प्रयास करता है, उसको भगवान सब अरेंज करते हैं। तो इसी प्रकार मरगारी को भी जब लोगों को पता चला कि इसने सब कुछ छोड़ दिया है, तो गांव के लोग जो है ना उसके लिए सौगात लेकर आने लगे, खाना लेकर आने लगे, सब्जी, कोई सब्जी ला रहा है, कोई आटा दाल चावल ला रहा है, सब कुछ अरेंज हो गया। तो भक्ति के कारण जो है ना उसका हृदय भी शुद्ध हो गया, और भक्ति के कारण जो है ना उसका जो खाने पीने की जो समस्या थी, जो रहने की समस्या थी, नारद जी ने कहा था, नारद जी भगवान के भक्त हैं और भगवान कभी भी अपने भक्त की वाणी को व्यर्थ नहीं जाने देते, उसको सदैव सच करके रहते हैं। तो नारद जी ने उसको प्रॉमिस किया था कि तुम खाने की चिंता मत करना, कृष्णा विल अरेंज, और वैसा ही हुआ। अगली बार जब नारद जी आए तो देखा कि जहां वो जो पहले एक पशुओं को मार दिया करता था बेरहमी से, अब वो इतना बड़ा भक्त बन गया कि अब वो चींटियों को भी देख कर जो है पैर रखता है, चींटी के ऊपर भी पैर नहीं रखना चाहता। तो भक्ति ने उसको इतना शुद्ध कर दिया कि अब उसको किसी की हत्या, इवन चींटी की हत्या करने में भी बुरा लगता था। तो भक्ति कहने का मतलब यह है, ठीक है किसी भी उद्देश्य से की जाए, लेकिन भक्ति तो अपना कार्य करती है। भक्ति ने अपना कार्य किया, भक्ति उनका उद्देश्य डिफरेंट हो सकता है, उनका उद्देश्य ये था कि किस प्रकार मेरे को ऐसा पुत्र प्राप्त हो, लेकिन शुरू में तो ऐसा था, लेकिन बाद में जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती गई, सीरियस होती गई, वो उद्देश्य पीछे छूटता गया। इसी तरह से उसके संसर्ग में आकर, जैसे मैंने बताया कि जना भगवान उससे प्रसन्न होते हैं जो उसके भक्त की सेवा करता है, तो यहाँ इंद्र ने भक्ति कौन कर रही थी, भक्ति दीति कर रही थी, तो इंद्र ने जो है ना उनकी सेवा की। तो इंद्र को, इंद्र का उद्देश्य भी डिफरेंट था, लेकिन भगवान ने जो है ना उसका हृदय भी शुद्ध कर दिया। तो ये जो है ना भक्ति की महिमा है कि किस प्रकार जो है ना किसी भी उद्देश्य से की जाए, लेकिन अगर जो अंत में हम देखते हैं कि भक्ति उस उद्देश्य को, जिस उद्देश्य को लेकर शुरू की गई है, अगर वो उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाने वाला है, तो उद्देश्य वो धीरे धीरे धूमिल हो जाता है और वास्तव में भक्ति जागृत हो जाती है।
तो ये इससे तो जो हमने आज कथा सुनी कश्यप मुनि और दीप्ति और इंद्र की, उससे तो प्रभु जी यही सिद्ध होता है, दोनों का, इंद्र का और दीप्ति का, दोनों का उद्देश्य अच्छा नहीं था शुरू में, लेकिन भक्ति के द्वारा दोनों शुद्ध हुए। तो भक्ति की शक्ति जो है ना, जैसे प्रभुपाद जी इसके शुरू में कहते हैं कि इसके चैप्टर के शुरू में बताते हैं, इसके कथा के शुरू में बताते हैं कि भक्ति की जो शक्ति है वो इतनी प्रबल है। वो श्लोक है ना, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणेव प्रलियेते विष्णु भक्तिरतात्मना। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं और उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हों या बीज रूप में हों, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। तो उनके हृदय में जो भी कुछ पाप था वो भगवत भक्ति की शक्ति से सारा नष्ट हो गया। भक्ति की प्रक्रिया उत्कृष्ट रूप से इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि यह हमारी पापी प्रकृति को पूर्णतया शुद्ध करने में सक्षम है। तो उनकी जो है ना, दोनों की पापी प्रकृति थी, एक दूसरी प्रकृति लेकर, पाप की प्रकृति लेकर उन्होंने शुरू की, लेकिन भक्ति ने उसको भी शुद्ध कर दिया और हमें पापों के फलों से मुक्त भी कर दिया। तो भक्ति की प्रक्रिया कितनी शक्तिशाली और शुद्ध होनी चाहिए, यह हमारे दूषित हृदयों को शुद्ध करने में सक्षम है, इतनी शक्ति शक्तिशाली होनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी, मुझे मुझे पता नहीं आपका सवाल का उत्तर, प्रश्न का उत्तर ठीक से मैं दे पाया कि नहीं दे पाया। मुझे तो ये लगता है नहीं, बहुत अच्छे से आपने दिया, धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी, वांछा कल्प रुभ्यश्च कृपा प्रतिदिनं पावनं कुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा आपका, हमें सुनने में बहुत ही आनंद हुआ और हम भी भक्ति करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हुए भक्ति की शक्ति के बारे में जान के। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ जाते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव साय प्रभु जी की तरफ से वासुदेव कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने भक्ति की शक्ति द पोटेंसी ऑफ डिवोशनल सर्विस के ऊपर इतना अच्छा लेक्चर दिया। और अब उनसे हमारी नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट सेशन में होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। एक मिनट प्रभु जी, इसमें जो है ना, आज की कथा का जो मेरे को मोटिवेशन मिला, सुदर्शना माता जी ने एक पोस्ट डाला था आज से 6-7 साल पहले, उसने मेरे को ये बोलने के लिए मोटिवेट किया। इसमें काफी सारा कंटेंट जो है ना मैंने उनके पोस्ट से लिया है। तो वास्तव में जो है ना, इसके धन्यवाद के अधिकारी कालचक्र प्रभु और सुदर्शना माता जी हैं, मैं नहीं। मैंने खाली उसको रिपीट किया है, बोला है, ताकि आप लोग भी जो है ना थोड़ा सा पोस्ट को देखा करें। इतने अच्छे अच्छे पोस्ट लिखते हैं हमारे भक्तजन, तो उनसे जो है ना हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर हम सीरियसली उसको पढ़ें तो ऐसे ऐसे जो उत्तम लेख है ना, हम उनसे रूबरू हो पाएंगे और अपने ज्ञान वृद्धि और भगवत वृद्धि कर पाएंगे। चलो, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, खूब खूब धन्यवाद।